केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल अस्पताल एवं ट्रस्ट की ओर से निःशुल्क मेडिकल कैंप रविवार को पिंजौर में लगाया गया। साथ ही कैंप में लोगों को फ्री में मेडिकल टेस्ट भी किए गए। मेडिकल कैंप में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी शिरकत की और लोगों ने राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया। पंडित केदारनाथ शर्मा चैरिटेबल अस्पताल एवं ट्रस्ट की ओर से निशुल्क मेडिकल कैंप रविवार को पिंजौर में लगाया गया। साथ ही कैंप में लोगों के फ्री में मेडिकल टेस्ट भी किए गए। वहीं मेडिकल कैंप में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा ने भी शिरकत की और लोगों ने राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का फूल मालाओं से स्वागत किया। वहीं कैंप में भारी तादाद में इलाके के लोग पहुंचे और फ्री में मेडिकल टेस्ट करवाया और साथ ही लोगों को फ्री में दवाइयां भी दी गई। इस दौरान लोगों ने मेडिकल की फ्री सेवा देने के लिए अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा, पूर्व केंद्रीय मंत्री पंडित विनोद शर्मा और सांसद कार्तिकेय शर्मा का धन्यवाद किया। कैंप में राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा विशेष तौर पर शामिल हुए और डॉक्टर्स के साथ साथ लोगों से बातचीत भी की। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि कैंप लगाने का मुख्य उद्देश्य लोगों को अपने घरों के पास ही मेडिकल सुविधाएं देना है ताकि महंगे महंगे टेस्ट लोग निःशुल्क करवा सके। देखिए, ये एक प्रयास है जो हमारा बहुत देर से चला आ रहा है पूरा अंबाला संसदीय क्षेत्र के लिए और अंबाला शहर और कैंट में और विभिन्न स्थानों पे पिछले कई सालों से हर रविवार ये कैंप लगता है और मुझे बहुत खुशी है कि पूरे कालका हलके के अंदर, पिंजौर के अंदर, पंचकूला के अंदर भी ऐसे अनेकों कैंप अब से लगातार निरंतर हर रविवार को लगा करेंगे निःशुल्क कैंप। अब तक लगभग 200 पेशेंट्स को देखा जा चुका है और ये कैंप अमूमन हम कोशिश करते हैं कि 400 से 500 पेशेंट्स तक पहुंच सके और उनकी मदद कर सके। बता दें, पंडित केदारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट लगातार निशुल्क मेडिकल कैंप लगाकर लोगों को फ्री में मेडिकल चेकअप के साथ दवाइयां भी उपलब्ध करवा रहा है। इससे लोगों को काफी लाभ मिल रहा है। वहीं इस मौके पर सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हमारा ये प्रयास पहले से चला आ रहा है। अंबाला कैंट और कई स्थानों पर कई सालों से कैंप लगाए जाते हैं। मुझे खुशी है कि कालका, पिंजौर, पंचकुला के अंदर कैंप लगते रहे हैं। लोग यहाँ पर कैंप के द्वारा नहीं उनका इलाज हो सकता या ऐसी कोई बीमारी हो उनको फिर हम रेफर करते हैं पीजीआई और उनका वहाँ पर इलाज कराने की कोशिश करते हैं और काम करते हैं। ये कैंप का उद्देश्य तो इलाज कराना होता है लोगों को, और क्या उद्देश्य होता है? तो यही उद्देश्य है। देखिए, कोई मकसद नहीं है, पूरा अंबाला चुनाव के लिए नहीं है। ये कैंप पिछले 4-5 साल से विभिन्न विभिन्न जगहों पर चल रहे हैं।